अस्सलामुअलैकुम। तो भाई कुछ बॉयज़ ऐसे हैं जो कि गर्ल्स कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं और कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो बॉयज़ कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहती हैं। अब उसकी वजह यह है कि उन दोनों को नहीं पता कि कराची के बेहतरीन गर्ल्स कॉलेजेस कौन से हैं और बॉयज़, और वो भी 5-5। तो मैंने आज की वीडियो में आपको यही बताना है कि कराची के बेहतरीन कॉलेजेस कौन से हैं गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए। तो सबसे पहले देखो, जो मैं ये कॉलेजेस बता रहा हूँ ना, अगर इनमें से एक में भी आपका नाम आ जाए, यानी आपने फॉर्म फिल कर दिया है और आगे करोगे और इनमें से एक में भी आपका नाम आ जाए, तो आपने फ़ौरन एडमिशन ले लेना है। ये नहीं करना कि अगर बॉय हो, यानी अगर मेरे भाई हो तो आप फिर बोलोगे मुझे आदमजी में ही जाना है, या अगर आप मेरी बहन हो तो आप बोलोगे मुझे PECH में ही जाना है। ऐसा नहीं करना, ठीक है, एडमिशन ले लेना। क्योंकि अगर आपको जो है वो आदमजी में नहीं मिल रहा लेकिन DJ में मिल रहा है तो भी अच्छी बात है, अच्छा कॉलेज है। अच्छा, अब मेरी यहाँ पर आप ज़रा सा बात सुनो। आप जो है वो एनी इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो के बाद वहाँ पर मैं आपके साथ 50 कॉलेजेस शेयर करूँगा, 50 ऐसे कॉलेजेस शेयर करूँगा, उसकी लिस्ट शेयर करूँगा जो कि बॉयज़ के लिए बेहतरीन कॉलेज है, और उस पर डिस्कशन भी करूँगा। और 50 ऐसे कॉलेजेस शेयर करूँगा जो कि गर्ल्स के लिए बेहतरीन कॉलेजेस हैं, तो आप वो भी सब्सक्राइब कर लो ताकि वहाँ पर भी आपको वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। अच्छा, अब जो है यहाँ पर आ जाओ, मेरी बात सुनो। तो देखो, बॉयज़ का जो सबसे अच्छा कॉलेज है वो है आपके पास आदमजी, ठीक है, सबसे पहले नंबर पर। और दूसरे सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास गर्ल्स का सबसे अच्छा कॉलेज है, यानी जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहती है क्लोजिंग, वो है हमारे पास PECH, ठीक है। ये PECH गर्ल्स का सबसे अच्छा कॉलेज है और आदमजी बॉयज़ का सबसे अच्छा कॉलेज है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर कौन सा कॉलेज है? दूसरे नंबर पर है DJ गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा देखो, ये जो GC लिखा हुआ है ना, GC का मतलब ये नहीं है गर्ल्स कॉलेज, G और C का मतलब है गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि जगह थोड़ी शॉर्ट थी तो मैंने उसको एक्रोनियम बना के लिख दिया G और C। G का मतलब गवर्नमेंट और C का मतलब कॉलेज। अच्छा, और दूसरे नंबर पर जो गर्ल्स का सबसे अच्छा कॉलेज है वो है ST लॉरेंस, और ये भी है GC, GC यानी गवर्नमेंट कॉलेज, तो ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ मलीर कैंट कॉलेज। ये मलीर कैंट गवर्नमेंट कॉलेज की एक खसूसियत ये है कि ये बॉयज़ में भी है, ये बॉयज़ में भी है और ये गर्ल्स के अंदर भी शामिल है, तो ये दोनों के लिए ही है, दोनों गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये गर्ल्स की लिस्ट में भी आपको देखने के लिए मिलेगा और बॉयज़ की लिस्ट में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसकी जो क्लोजिंग परसेंटेज होती है ना, वो DJ के बाद सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, उसके बाद चौथे नंबर पर जो बॉयज़ का सबसे अच्छा कॉलेज है, और साथ ही साथ ये गर्ल्स का भी है, ठीक है, क्योंकि देखो ये गर्ल्स में भी है और बॉयज़ में भी है, बॉयज़ में और गर्ल्स में दोनों में है, तो वो वाला जो कॉलेज है वो है आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टेडियम रोड। तो ये कॉलेज आपके पास स्टेडियम रोड पर है, इसमें बॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा, चौथे नंबर पर जो गर्ल्स के लिए सबसे अच्छा कॉलेज है वो है सर सैयद गवर्नमेंट कॉलेज, और ये नाजमाबाद नंबर 1 में है, समझ लो मेरे घर के पास है, ठीक है, मेरा घर इससे बहुत करीब है, तो सर सैयद गवर्नमेंट कॉलेज, और हमारा कोचिंग भी इसके बहुत करीब है ना, हमारा कोचिंग भी इसके बहुत करीब है, तो सर सैयद गवर्नमेंट कॉलेज में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो चाहें तो हमारे कोचिंग में भी एडमिशन ले सकते हैं, अगर वो कोचिंग लेना चाहें तो। अच्छा, उसके बाद बॉयज़ का जो सबसे अच्छा 5वां कॉलेज है वो है फॉर मेन, और ये मज़े की बात बताऊँ, ये कॉलेज भी मेरे घर के बहुत करीब है, क्योंकि देखो सर सैयद कॉलेज आपके पास है किस तरफ, उर्दू बाज़ार के दूसरी साइड पर है, समझ लो उर्दू बाज़ार आ जाओ, सर सैयद उर्दू बाज़ार उधर ही है, तो उधर ही ये कॉलेज भी है, और साथ ही साथ सर सैयद कॉलेजेस के थोड़ा सा आगे जाओगे ना तो फॉर वुमेन कॉलेज भी है, वो भी बहुत बेहतरीन कॉलेज है। और फॉर मेन कॉलेज अगर नाजमाबाद नंबर 1 में हो तो जो सिंध स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसके बराबर में बना हुआ है, मेन रोड पर ही, ये भी बहुत ज़बरदस्त कॉलेज है। अच्छा, गर्ल्स का जो 5वां सबसे अच्छा कॉलेज है वो है खातून पाकिस्तान कॉलेज, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो यहाँ भी आप अच्छी तरह अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब देखो मैंने ये 6ठे नंबर पे जो छोड़ा है, 6ठे नंबर पे वो कॉलेज है जो कि आपके इलाके के करीब है, तो कोशिश करना कि 4 ये कॉलेजेस डाल दो, ठीक है, 4 ये कॉलेजेस डाल दो, और एक कॉलेज इनमें से कोई 4 कॉलेज सेलेक्ट कर लेना, जब 5 बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट करो ना तो इनमें से कोई 4 सेलेक्ट कर लेना, इसको हटा दो, चाहो तो बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टेडियम रोड वाले कॉलेज को हटा देना, बाकी 4 सेलेक्ट कर लेना, और 5वां कॉलेज आप कौन सा रखना जो आपके घर के करीब हो, क्योंकि अगर इन 4 में से नहीं हो रहा तो जो घर के करीब है उसमें एडमिशन लो ताकि फ़ायदा रहे। इसी तरह से मैंने 6th पे भी लिखा हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टेडियम रोड, तो मैंने बताया था ना ये गर्ल्स के लिए भी है बॉयज़ के लिए, इसलिए दोनों तरफ लिखा हुआ है।
अच्छा, और आप चाहो तो इनमें से कोई चार अप्लाई कर लेना, मलीर कैंट हटा दो, PCH में अप्लाई कर लो, ST लॉरेंस में अप्लाई कर लो, सर सैयद में अप्लाई कर लो, खातून पाकिस्तान में अप्लाई कर लो, और पांचवे नंबर पर क्या करना कि जो आपके घर के करीब कॉलेज है ना उसमें अप्लाई कर लो, क्योंकि अगर घर के करीब एडमिशन होगा तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आप लोगों को। तो ये कुछ पांच कॉलेजेस थे जो गर्ल्स एंड बॉयज़ के बेहतरीन कॉलेजेस थे। एक दो मैंने ज़्यादा इसलिए शेयर किए ताकि आपके जहन में आ जाए कि कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए भी हैं, ताकि आप लोगों को पता हो। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। ME इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी को सब्सक्राइब कर लो, उस पर मैं आपके साथ आने वाले वक्तों में डॉक्यूमेंट्स शेयर करूंगा, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन के लिए ये शेयर करूंगा, और 50 बेहतरीन कॉलेजेस आपको बताऊंगा जो कि कराची के हैं, ताकि आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर।